आज के इस वीडियो में हम ऐसा प्रोडक्ट रिव्यू करने वाले हैं जो कि आपके किचन के लिए काफी ज्यादा जरूरी प्रोडक्ट है। आपके किचन में काम आने वाला एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि तीज त्योहारों पर आपको हमेशा काम आने वाला है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको किचन में काम आएगा त्योहारों पर। हे गाइस, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं अनबॉक्स अड्डा। में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। डेली बेसिस पर यूज नहीं होने वाला है, बेसिकली है किसी किसी के डेली बेसिस पर भी यूज हो सकता है। यदि कोई नमकीन बनाता है, नमकीन बनाने का कारोबार है, छोटा मोटा फूड आइटम बनाने हैं, तो उनके लिए ये जो मशीन है वो काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है उनके लिए। तो चलिए फटाफट से इसकी पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है कैसे काम करती है, क्या ये वाकई में वर्थ ऑफ है या नहीं है, यानी कि क्या इस प्राइस रेंज में सही है ये प्रोडक्ट या नहीं है। तो चलिए फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस तरह के डायरेक्ट पैकेज में मुझे मिल चुके हैं, इसके ऊपर कोई अलग से पैकेजिंग नहीं है। ये मुझे डिसअपॉइंट करने वाला पॉइंट लगा। एंड यहाँ पर जो है आपको इस तरह की पैकेजिंग मिल जाती है, साइड में आपको सारी डिटेल दी हुई है, किचन प्रेस की सारी डिटेलिंग दी गई है इसकी। एंड यहाँ पर 15 बताई गई है कौन कौन सी ब्लेड है, ये वाली सारी ब्लेड्स आपको मिलने वाली है इसके अंदर। तो चलिए फटाफट से पैकेज को ओपन करते हैं, इस तरह की आपको मशीन मिल जाएगी। तो पैकेज को सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से टेपिंग हटा लेता हूँ। तो फाइनली बॉक्स से मैंने मशीन बाहर निकाल ली है, सिंक रैप की हुई है। आई होप अच्छे से यहाँ पर क्वालिटी हमें मिल चुकी होगी, कोई भी डैमेज नहीं होगा। तो चलिए इसे सिंक रैप को हटा देते हैं, फटाफट से प्लास्टिक को हटा देते हैं एंड उसके बाद चेक करते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। तो इस तरह से प्लास्टिक हटाने के बाद स्टेनलेस स्टील की यहाँ पर चकली मेकर प्रेस मशीन यहाँ पर मिल चुकी है, साथ ही प्लास्टिक की इस तरह की किट है जिसके अंदर पूरे 15 ब्लेड्स है। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं कौन कौन से जो ब्लेड्स हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर। तो फटाफट से मैंने यहाँ पर जो है ओपन कर लिए एंड यहाँ से बारी बारी से सारी हमें डिजाइन की यहाँ पर अलग अलग ब्लेड्स देखने को मिल जाती है। टोटल मैं बाहर निकाल लेता हूँ एंड यहाँ पर अलग अलग डिजाइन यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कुछ यहाँ पर नमकीन की है, कुछ अलग अलग डिजाइन की मिल जाती है। इस तरह की यहाँ पर आप सेवइयां बना सकते हो, नमकीन बना सकते हो एंड और भी काफी सारी डिजाइन की मिल जाएगी। मोटी नमकीन यहाँ पर बना सकते हो, पतली नमकीन, हर तरह की यहाँ पर टोटल ब्लेड मिल जाएगी 15। तो यहाँ पर इन्हें साइड में रखते हैं, मशीन को जो है मेन पार्ट को यहाँ पर चेक करते हैं। इस तरह की स्टेनलेस स्टील की मशीन देखने को मिल जाती है, पूरी प्योर स्टील की। एंड यहाँ पर जो है आपको नीचे ढक्कन देखने को मिलेगा, इसे ओपन करके एंड आप जो है यहाँ पर फिट कर सकते हो उस ब्लेड को। एक ब्लेड यहाँ पर भी लगी होगी या फिर आप यहाँ पर दूसरी ब्लेड लगा सकते हो। एंड ऊपर में आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह का एक प्रेस करने के लिए, यहाँ पर आप चाहे तो इसको भी पूरा यहाँ से डिसअटैच कर सकते हो, इस तरह से आपको देखने को मिलेगी इसके बाद। एंड इसके बाद इस तरह से आप वापस से इसे अटैच कर सकते हो एंड नीचे में आपको जो है ब्लेड लगानी, नीचे आप जो भी चाहो वो डिजाइन की प्लेट लगा सकते हो एंड उसके बाद जो चाहे मन चाहे आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ये आपको प्रेस करना होगा, ऊपर से जो देखने को मिल रहा है आपको इसे प्रेस करना होगा एंड प्रेस करने के बाद यूज कर सकते। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा अनबॉक्सिंग में मैंने आपको ये चकली मेकर जो है मशीन अनबॉक्स करके दिखाई एंड इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि किस तरह से इसे यूज करना है। इसे यूज करना काफी ज्यादा आसान है। इसके साथ ही यहाँ पर 15 ब्लेड्स आपको मिल जाती है अलग अलग डिजाइन की, जिसमें आप सेवइयां बना सकते हो या आप चाहो तो चकली बना सकते हो या आप चाहे तो यहाँ पर नमकीन भी बना सकते हो बेसन वगैरह की, या इसके साथ ही और भी काफी सारी डिजाइन मिल जाएगी आपको। इसमें स्टार डिजाइन मिल जाएगी, चिप्स जैसी भी डिजाइन मिल जाएगी, यानी कि आप जो है नमकीन में अलग अलग चिप्स, नमकीन में जो चिप्स टाइप की जो होती है पपड़ी वगैरह, वो उस तरह की भी डिजाइन आपको इसमें मिल जाती है। तो यहाँ पर काफी सारी अलग अलग डिजाइन मिल जाती है जिनमें आप आसानी से काफी सारे अलग अलग स्टार वगैरह भी बना सकते हो, नमकीन बना सकते हो, सेवइयां बना सकते हो, चकली बना सकते हो। तो मल्टीपर्पज मशीन है एंड इसके साथ ही इसकी प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग भी मतलब काफी ज्यादा नहीं है, 399 तक में आपको मिल जाएगी, 399-350 इस प्राइस में आपको मिल जाएगी, जो कि काफी ज्यादा कम प्राइस है इस मशीन के हिसाब से। मल्टीपर्पज मशीन है एंड इसके साथ ही अभी तीज त्योहार भी आ रहे हैं, जैसे कि राखी आने वाली है, हरियाली अमावस्या, इसके साथ ही राखी, साथ ही दिवाली, इस तरह के जो त्योहार वो आने वाले हैं। साथ ही पूरे साल आपको अलग अलग त्योहार में काम आने वाली है, होली पर भी चकली वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी काम आने वाली है। तो काफी ज्यादा कमाल की मुझे लगी मशीन। एंड इसके रेटिंग की बात करें, यानी कि मैं इसे कितना रेट करता हूं इस प्रोडक्ट के हिसाब से, प्राइसिंग के हिसाब से, तो मैं इसे 4.5 की रेटिंग देता हूं अपने हिसाब से। 4.5 इसलिए मैं दे रहा हूँ, यानी कि 0.5% मैंने क्यों काटा इसका वो भी मैं आपको रीजन बताने वाला हूँ। साथ ही 4.5 मैंने इसे रेटिंग क्यों दी वो भी मैं बताने वाला हूँ, यानी कि इतनी अच्छी क्वालिटी मुझे क्यों लगी। पहली बात ये मुझे लगी अच्छी इसकी कि एक तो ये स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है, दूसरी बात ये अच्छी लगी कि मल्टीपर्पज है, 15 आपको यहाँ पर अलग अलग ब्लेड्स मिल जाती है, यानी कि मल्टीपर्पज है, अलग अलग तरीके से काम ले सकते हो आप। एंड इसके बाद ही तीसरी जो सबसे अच्छी और खास बात जो मुझे इसके लगी कि आपकी टाइम सेविंग करता है, यानी कि जो काम घंटों का है वो मिनटों में आप कर सकते हो। जिस नमकीन को, जिस सेवइयां को बनाने में आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, ये मशीन काफी ज्यादा अच्छे तरीके से कम टाइम में आपको अच्छा प्रोडक्ट बनाकर देगी। इसके साथ ही एक बात और है कि इस तरह की एक और मशीन आती है जिसको घुमा करके आप जो
है बनाते हो सेवैया या फिर चकली वगैरह, उस मशीन में प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें काफी ज्यादा एनर्जी कंजप्शन होती है, यानी कि हमारी जो एनर्जी वो काफी ज्यादा लगती है, काफी मेहनत लगती है उसमें एंड काफी ज्यादा टाइम भी लगता है उसमें। तो उसके मुकाबले मुझे प्रेस करने वाली यह जो मशीन है वो काफी ज्यादा बेहतर लगी। इसके साथ ही 0.5% मैंने इसलिए इसका कट किया है रेटिंग का, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेस करते हो आप उसमें आपकी थोड़ी एनर्जी लॉस होती है, यानी कि आपको थोड़ी एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ती है, लेकिन फिर भी आप जो एनर्जी लगाओगे उसमें आपको काफी ज्यादा वर्क एक साथ मिलेगा। जो सेवैयां आप बनाओगे या फिर जो चकली आप बनाओगे वो आपको अच्छी स्मूथ एंड इसके साथ ही कम टाइम में मिलने वाली है, तो आपका जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो भी यहाँ पर आपको अखरेगा नहीं, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि टाइम वेस्ट हुआ है, बल्कि आपको काफी ज्यादा कम टाइम में आपको अच्छा प्रोडक्ट मिलने वाला है, तो काफी ज्यादा कमाल का है। इसके साथ ही आपके किचन के लिए काफी ज्यादा जरूरी भी है, तो आप चाहें तो परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह के और भी काफी कमाल के प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जाकर के आप देख सकते हो। क्लोथिंग एंड इसके साथ ही होम अप्लायंसेस, गैजेट और भी काफी सारे प्रोडक्ट है जिनके रिव्यू हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जाकर के आप देख सकते हो। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए काम की है। एंड इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर तो कीजिएगा ही, साथ ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग रिव्यू वीडियोस के लिए, जेन्युइन रिव्यू वीडियोस के लिए, 100% जेन्युइन रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल वाला बटन जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, एक और कमाल के रिव्यू में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।